नमस्कार दोस्तों, क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 17 सर्कल कॉर्ड एंड आर्क। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो देखिए, सर्कल की जो डेफिनेशन है वो सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। सर्कल क्या होता है? सेट मतलब कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ, मतलब मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, एक फिक्स्ड पॉइंट हमने ले लिया और इस फिक्स्ड पॉइंट से सपोज 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर हमें ऐसे पॉइंट पॉइंट करने हैं जो इस पॉइंट से 7 सेंटीमीटर की दूर पे हो। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर का एक पॉइंट ले लिया, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का एक पॉइंट, यहाँ से 1 7 सेंटीमीटर का, ऐसे 7 सेंटीमीटर के यहाँ से जो 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट्स हैं उन सबको मैंने ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे एक सर्कल बनता है इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट है और इससे थोड़ा आगे भी एक पॉइंट है, फिर और एक पॉइंट है, तो और एक पॉइंट, इनको हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एक सर्कल बनता है ऐसा। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो इक्वल डिस्टेंस होता है सभी पॉइंट्स और सेंटर के बीच में उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे, इस पॉइंट को सेंटर, और ये जो है वो है रेडियस, रेडियस को लिखना है आर। अब इस रेडियस को सपोज यहाँ पे मैंने डबल कर दिया, मतलब इसी रेडियस को आगे मैंने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे जो लेंथ मिलेगी उसे हम कहते हैं डायमीटर। जो डायमीटर होती है वो रेडियस से डबल होती है, रेडियस प्लस रेडियस। अब हर यहाँ पे इससे आगे हर कोई लाइन डायमीटर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से अगर हमने इधर बढ़ा दिया तो वो डायमीटर नहीं होगी, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब हम पहले क्वार्ड पॉइंट समझेंगे, फिर डायमीटर और एक बार समझेंगे। तो अभी हमें समझना है क्वार्ड क्या होता है। तो क्या क्वार्ड क्या होती है? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है उसे हम कहते हैं क्वार्ड। अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ऐसी लाइन सेगमेंट जो भी जो सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हो, सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसे हम कहते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब जो डायमीटर होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये भी एक कॉर्ड ही है, और ऐसे हम इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कॉर्ड मिलेगी, लेकिन ये जो कॉर्ड होगी वो कॉर्ड पॉइंट यहाँ पे होगा सपोज, और यहाँ पे एक, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो हमें कॉर्ड मिलेगी वो कॉर्ड सेंटर से पास होगी, तो सेंटर से पास होने वाली जो कॉर्ड होती है वो डायमीटर कहलाती है, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, फिर यहाँ से रेडियस है, तो डायमीटर की जो लेंथ होती है वो रेडियस की डबल होती है। तो हम यहाँ पे डी डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, या फिर डायमीटर डिवाइड बाय 2, डायमीटर का हाफ पार्ट रेडियस का होगा, तो डायमीटर डी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू रेडियस आर। तो देखिए, कॉर्ड जो है वो लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, उसे हम कहते हैं कॉर्ड, और ये हुआ हमारा सर्कल।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल की आर्क। अब आर्क ऑफ अ सर्कल क्या है, देखिए सर्कल की जो आर्क है, पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल, सर्कल का पार्ट। अभी यहाँ पे सर्कल का पार्ट यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम कहेंगे आर्क। अगर मैंने डायमीटर ले ली, सपोज एक डायमीटर मैंने यहाँ से यहाँ तक ले ली, तो डायमीटर में यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स हैं, इन दो एंड पॉइंट्स के बीच में जो सर्कल का पार्ट होगा उसे भी हम आर्क ही कहेंगे, लेकिन ये आर्क होगी सेमी सर्कुलर आर्क। अब जो सेमी सर्कुलर आर्क है, उस सेमी सर्कुलर आर्क से स्मॉलर जो आर्क होती है उसे हम कहते हैं माइनर आर्क, और सेमी सर्कुलर आर्क से ग्रेटर, मतलब यहाँ से सपोज यहाँ तक है, तो उसे हम कहते हैं मेजर आर्क। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो मेजर आर्क होगी और ये माइनर आर्क होगी। तो सपोज हम यहाँ पे नेम्स लिख लेते हैं ए बी सी और डी, तो सेमी सर्कुलर आर्क होगी, सपोज यहाँ पे पॉइंट है एक्स, तो डी एक्स सी इज अ सेमी सर्कुलर आर्क। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर्क, लिखना कैसे, देखिए आर्क को आर्क डी एक्स सी, ये है सेमी सर्कुलर आर्क। आर्क ए, सपोज यहाँ पे पॉइंट है बाय, आर्क ए बाय बी, आर्क ए वाई बी इज माइनर आर्क, और जो आर्क है यहाँ पे डी डी नहीं, सपोज ए एक्स बी, ए एक्स बी जो आर्क है वो सेमी सर्कुलर आर्क से ग्रेटर है, तो ए एक्स बी, ए एक्स बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर्क ए एक्स बी इज मेजर आर्क, एम ए जे ओ आर, मेजर आर्क। इस मेजर में और एम ई ए एस यू आर ई, मेजर मतलब ये अलग है और ये अलग है, मेजर ये मतलब ये ग्रेटर बड़ा, और इसको मेजर मतलब मोज माप, मतलब हम जो काउंटिंग करते हैं उसे ये हम मेजर कहेंगे। तो आर्क, तीनों टाइप की जो आर्क है वो आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट सेंट्रल एंगल, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है, देखिए सेंटर पे यहाँ पे अगर कोई भी एंगल बनता है रेडियस के द्वारा तो उसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल है, और जो सेंट्रल एंगल यहाँ पे बना है ए ओ बी वो ए बी आर्क से बना है, तो ए बी के आर्क ए एक्स बी के जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों को सेंटर से हम जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एंगल बना है। तो जो आर्क ए एक्स बी है, इस आर्क ए एक्स बी का जो मेजरमेंट है वो 30 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू आर्क ए एक्स बी का मेजरमेंट, यहाँ पे एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट होगा, तो इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो आर्क होती है उसका भी मेजरमेंट होता है, तो आर्क का मेजरमेंट मतलब आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है उसका मेजरमेंट, तो होगा आर्क का मेजरमेंट। अब जो सेमी सर्कुलर आर्क होती है उसका मेजरमेंट जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, और जो माइनर आर्क होती है उसका मेजरमेंट 180 डिग्री से कम होगा, और जो मेजर आर्क होगी उसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। और जो पूरा सर्कल होता है, सर्कल का जो मेजरमेंट है वो 360 डिग्री का होता है, कंप्लीट जो सर्कल होता है उसका मेजरमेंट 360 डिग्री। तो हमने यहाँ पे अभी लिखा है मेजर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री, पूरा जो सर्कल होता है उस सर्कल का जो मेजरमेंट होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब उसके बाद मेजर ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क जो होती है
यहाँ से लेकर सपोज यहाँ तक ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं बाय, और ये पॉइंट बी, और यहाँ पे एक्स पॉइंट। तो ए एक्स बी माइनर आर्क है और ए बाय बी मेजर आर्क है। तो ए एक्स बी जो माइनर आर्क है उसी का करस्पॉन्डिंग, उसी की करस्पॉन्डिंग आर्क ए बाय बी है। तो ये करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है। अगर हमें मेजर आर्क का मेजरमेंट फाइंड करना है तो 360 में से माइनर आर्क का मेजरमेंट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का अगर हम मेजरमेंट ऐड करते हैं तो पूरे सर्कल का मेजरमेंट 360 डिग्री आता है। तो मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, हमें लिखना है मेजर ऑफ माइनर आर्क। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज लेंगे सर्कल की, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट 17.1 अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात है जो कि लाइव सेशन के बारे में, अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तो आप ज़रूर बताएं, कमेंट में ऐसा लिख दें। और जो हर संडे होगा या फिर कोई भी डे होगा, हर संडे को तो मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइव सेशन कर ही दूँ, लेकिन आपको अगर ज़रूरत हो तो आप कमेंट में बताएं तो मैं लाइव सेशन शुरू कर सकूं। और संडे को ही नहीं, अगर समझो लाइव सेशन की ज़रूरत पड़ी तो हम किसी भी दिन और दिन भी लाइव सेशन ले सकते हैं। तो वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।